हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। और आज मैं आपको यहां पर टीम नहीं दूंगा, यहां पर आपको दूंगा प्लेइंग इलेवन। और ये प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन है, 90% यही रहेगी। तो इसमें एक आध चेंज हो सकता है या बहुत से बहुत दो चेंज हो सकते हैं, तो लगभग लगभग यही रहने वाली है प्लेइंग इलेवन। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो पहले आपको बता दूं, हसन अली की यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं है, बिकॉज़ हसन अली का कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। और इतना बड़ा प्लेयर है, मुझे लगता है अगर वो खेलता तो कम से कम कुछ तो न्यूज़ आती। तो अभी के लिए तो यही बोलूँगा कि बहुत कम चांस है उनका आज खेलने का, और कोई भी आर्टिकल कोई भी न्यूज़ कुछ भी नहीं है हसन अली के रिगार्डिंग। तो आप अपनी रिस्क पे चाहे तो उनको ले सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं यहाँ पर प्लेइंग इलेवन की। तो पेशावर जाल में जो प्लेइंग इलेवन हो सकती है, यहाँ पर कामरान अकमल विकेट कीपिंग करेंगे, फिर तमीम इकबाल है, मोहम्मद हफीज़ है, हरीश सोहेल हैं, फिर यहाँ से साद नसीम और खुशदिल शाह में से कोई एक खेल सकता है, फिर ड्वेन स्मिथ है, खालिद उस्मान और उमेद आसिफ में से कोई खेल सकता है, फिर मोहम्मद असगर हैं, डेरिन सैमी हैं, क्रिस जॉर्डन है, वहाब रियाज है। तो अगर इसमें से आप पूछे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से, तो यहाँ से कामरान अकमल है, तमीम इकबाल है, मोहम्मद हफीज़ है, हरीश सोहेल है, फिर यहाँ से असगर है, फिर सैमी है और वहाब रियाज है। इसके अलावा आप क्रिस जॉर्डन के साथ भी जा सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे प्लेयर हैं इस टीम में, तो ये अगर आप आज लेंगे तो आप थोड़े सेफ़ रहेंगे। बाकी जो भी प्लेयर हैं वो थोड़े से तो कहीं ना कहीं डाउटफुल रहेंगे। बात करें मुल्तान्स की, तो मुल्तान्स में जो पहले आपको प्लेइंग इलेवन बता दूं प्रोबेबल, तो यहाँ पर विकेट कीपिंग करेंगे संगाकारा, अहमद शहजाद हैं, शोएब मलिक हैं, सोहेल तनवीर हैं, मलिक कैप्टनसी करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद इरफान हैं, जुनेद हैं, यहाँ पर ब्रावो और विटली में इसको एक खेल सकता है, और शोएब मसूद खेल सकते हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। फिर यहाँ से किरण पोलार्ड अच्छे ऑलराउंडर हैं, इमरान ताहिर हैं, फिर यहाँ सैफ बदार और कासिफ भट्टी में से कोई खेल सकता है, तो ज़्यादा चांस यहाँ पर भट्टी के हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर बता दूँ, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं कुमार संगकारा हैं, अहमद शहजाद, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं खेलने के, और जो खेलेंगे शोएब मलिक हैं, सोहेल तनवीर हैं, मोहम्मद इरफान, जुनेद खान हैं, मकसूद भी, इनके 80-90% चांस है ये खेलेंगे आज। कैरन पोलार्ड तो खेलेंगे, इमरान ताहिर भी खेलेंगे, बाकी यहाँ से सैफ बदार और कासिफ भट्टी में से कासिफ भट्टी खेल सकते हैं, और यहाँ पर डेरिन ब्रावो और विडली की अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो गाइज़ ये कुछ प्रोबेबल इलेवन है, और आशा करता हूँ आप इसमें से अच्छी टीम बनाएंगे और आप इम्पॉर्टेंट प्लेयर के साथ ही जाएं, पहला मैच है बिकॉज, और मैं नहीं चाहता आप ज़्यादा रिस्क लें। यहाँ पर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो बेस्ट प्लेयर बता दूँ, तो यहाँ पर कामरान अकमल हैं, तमीम इकबाल हैं, हफीज़ हैं, इसके अलावा डेरिन सैमी को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, और कुमार संगकारा, अहमद शहजाद हैं, शोएब मलिक हैं, और इसके बाद बात करें तो कैरन पोलार्ड है। तो ये कुछ अच्छे प्लेयर हैं और इनके साथ आप जा सकते हैं। कोशिश कीजिए पेशावर जालमी के आप ज़्यादा प्लेयर लें, और बिकॉज इंपॉर्टेंट टीम है और पिछले सीज़न की विनर भी थी, तो मेरे हिसाब से आप इसके साथ जाइए। बाकी यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सके, जैसे कुमार संगकारा है, अहमद शहजाद है, शोएब मलिक हैं, तो इनको यहाँ से पिक करिए। बाकी एक अच्छी टीम बनाइए और इंपॉर्टेंट प्लेयर के साथ जाएंगे तो आपके लिए आज बेस्ट रहेगा। तो वैसे फिलहाल इतना ही न्यूज़ होगी तो आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो एक बार कॉमेंट ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई न्यूज़ होगी तो आपको वहीं पर मिल जाएगी, कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगी। तो गाइस ख़त्म करते वीडियो को, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।